हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग विजन आईएएस मैगजीन में जुलाई मंथ वाले करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में हमने आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब जो कॉन्सेप्ट हैं, इन सब सेक्शन हैं, इन सब चीज़ों को मैंने कम्प्लीट करा दिया है प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से। पिछली वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। अब हम इन्वायरमेंट्स पढ़ चुके हैं। इन्वायरमेंट्स में भी लगभग दो क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने प्री के हिसाब से न्यूजन शॉर्ट्स वगैरह और दो आर्टिकल्स को कवर कर लिया है। आज से जो क्लास होगी वो मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस 3 में इससे क्वेश्चंस भरपूर आते हैं और आने की भी आगे संभावनाएँ हैं, तो इससे हमें आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। चार आर्टिकल आज मैं पढ़ाऊँगा क्योंकि उतना काफ़ी होता है आपके लिए डेली का। तो डेली 9 बजे से हमारी क्लासेस होती हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए अपना कंटेंट शुरू करते हैं। रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कॉलिशन, ये क्या बना है कि G20 के पर्यावरण और जलवायु संधारिता कार्य समूह की चौथी बैठक में इसी को रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉलिशन को बनाया गया है। ये क्या है, एक पहल है। पहली बात आप जान लीजिए, सर्कुलर इकोनॉमी की बात की गई है तो सबसे पहले मैं आपको सर्कुलर इकोनॉमी के कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे सर्कुलर इकोनॉमी होती क्या है, सब चीज़ें क्या हैं, तब तक आप क्या समझेंगे उस कॉल्यूशन के बारे में। तो सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है कि एक उसको बोलते हैं हिंदी में चक्रीय अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, चक्रीय अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ये ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां उत्पादों को अस्थायित्व, ठीक है, अस्थायित्व, पुनः उपयोग, फिर क्या है, पुनर्चक्रण, तीन जो कॉन्सेप्ट है, अस्थायित्व, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण, ठीक है, इसके लिए इसको तैयार किया जाता है। और लगभग हर चीज़ का पुनः उपयोग, इस शब्द को मैं जब बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए, पुनः उपयोग, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण और कच्चे माल के रूप में पुनर्चक्रण, यानी कि पुनर्चक्रण, ठीक है, पुनः उपयोग, पुनर्निर्माण और पुनर्चक्रण, इन सब चीज़ों के लिए इसमें उपयोग किया जाता है। और इसी को ऊर्जा का स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। किसको, ऊर्जा का स्रोत, इसको ऊर्जा का स्रोत भी बना दिया जाएगा, ठीक है। अब चक्रीय अर्थव्यवस्था में, चक्रीय अर्थव्यवस्था में आपको एक मुख्य इंपॉर्टेंट बात क्या है वो आप समझिए कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको आप लिखेंगे आंसर्स में, और या इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू आप बोलेंगे तो आपका जो एग्जामिनर है वो समझेगा कि आपने कॉम्प्रिहेंसिव रूप से गहरे तरीके से पढ़ाई की। इसमें क्या है, 6 R की अवधारणा शामिल है, 6 R, 6 R। पहला R क्या है, रिड्यूस। दूसरा R क्या है, रीयूज। तीसरा क्या है, रिसाइकल। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, रिफर्मिशमेंट, यानी पुनर्निर्माण बोलते हैं, रिफर्मिशमेंट। पांचवा क्या है, रिकवर, और छठवा क्या है, रिपेयरिंग, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। ये 6 R की अवधारणा क्या है, किसमें है, चक्रीय अर्थव्यवस्था में, चक्रीय अर्थव्यवस्था में इसको शामिल होता है, ठीक है। जो क्या करती है, जो अपशिष्ट होते हैं, यानी जो अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन, उपयोग और अन्य चीज़ें होंगी तो उसमें अपशिष्ट भी होगा, तो अपशिष्ट को एकदम न्यूनतम करती है, सबसे कम, और उपयोगिता को एकदम अधिकतम करती है। इसी का ये मॉडल है जो इसको बनाए रखती है, जिससे क्या होगा, संवहनीयता होगा, ठीक है, दीर्घ जीवन होगा, पुनः उपयोग होगा, पुनर्चक्रण हो गया, ठीक है। ये आज के समय में भारत या विश्व के लिए सबसे जरूरी है और सतत विकास के एजेंडा के लिए ये क्या है, एक महत्वपूर्ण घटक है, ये महत्वपूर्ण घटक है। तो उम्मीद है आपको चक्रीय अर्थव्यवस्था समझ में आ गया होगा। तो उसी जो है, उसी के संबंधित क्या है, एक उद्योग संचालित पहल शुरू की गई है, ठीक है, आप देख रहे होंगे इसमें पहल, इसका नाम ही क्या है, रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉलिशन, ठीक है। इस गठबंधन में लगभग 39 कंपनियां जो है संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुई हैं, जिसमें इसका मुख्यालय कहाँ, 11 देशों में है। इसका कार्यान्वयन में तेजी, उसका उद्देश्य लाना क्या है, उसका उद्देश्य यह है कि संधारणीय विकास के एजेंडा के 2030 को बनाना, उसको उसके तहत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना, पेरिस जलवायु समझौते के तहत निर्धारित जलवायु संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करना, अच्छा, कुमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क बायोडाइवर्सिटी पे, ठीक है, किगाली संशोधन और संसाधन दक्षता संवाद रोडमैप और अन्य प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य हैं जो उनको प्राप्त करना, ये उनका लक्ष्य रहा है। और आपको एक बहुत ही इसमें से एक शब्द देखने को मिला हुआ, किगाली संशोधन। किगाली संशोधन क्या है, ये आपको अगर मैं पूछ दूँ तो ये है क्या, वो क्या है
कि किगाली समझौता क्या है, कि जलवायु परिवर्तन को कम करने, जलवायु परिवर्तन को कम करने, ठीक है, और इसी संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के जो वैश्विक इरादे हैं उसको पुष्टि करता है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए किगाली संशोधन क्या है, कानूनी रूप से बाध्यकारी है, कानूनी रूप से बाध्यकारी है किसके लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए, 1 जनवरी 2019 को इसको लागू किया गया था, ठीक है, भारत ने भी इसको जो है मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो किगाली संशोधन आपको आ गया होगा, तो ये जो गठबंधन है वो 3 मार्गदर्शन जो है उसका सिद्धांत है, स्तंभ है, क्या है, प्रभाव डालने के लिए जो साझेदारियाँ हो, क्षमता प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा मिले और क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश हो, ठीक है, इसका 3 जो है मुख्य मार्गदर्शक हैं, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे जो इस्तेमाल की गई हैं तकनीकें और जो संवाद के जो अन्य तरीके हैं, क्या है, देखिए जो प्रभाव डालने के लिए साझेदारी उसमें क्या हो कि जमीनी स्तर पर सफलता को प्रदर्शित किया जाए, एक उद्योग द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट का दूसरे उपयोग उद्योग में कच्चा माल बनाया जाए, मूल्य श्रृंखलाओं को सहयोग को संभव बनाया जाए, ठीक है, क्षमता और प्रौद्योगिकी सहयोग में क्या करना चाहिए, संवाद वार्ताएं की जाएँ, उच्च प्रभाव वाले पैदा करने वाले मामलों की पहचान की जाए जैसे प्लास्टिक उद्योग में, और जो आपको बताया ना 6R उसी को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, आपको मैं वो बता चुका हूँ, और क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश किया जाए जिसमें क्या है कि जो सर्वोत्तम पद्धति वाले जो सर्कुलर इकोनॉमी वाली परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाया जाए। तो ये आपका मुख्यतः जो है इसका मेन एजेंडा रहा है। अब भारत सरकार ने जो है नवीकरणीय ऊर्जा चक्रीय अर्थव्यवस्था के कुछ पहले की, उन पहलों को आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे और इसको याद कर लेना है, क्योंकि क्या है कि मेंस में आप आंसर राइटिंग में करेंगे तो भारत के जो प्रयास हैं उसको लिखना जरूरी होता है, क्योंकि आप जो सिविल सर्वेंट बनते हैं तो गवर्नमेंट के लिए ही काम करते हैं, तो अधिकतर जब आलोचना करते हैं या कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं तो उसमें भारत सरकार के प्रयासों को कुछ ना तो कम से कम फ्लो चार्ट बना दीजिए, ऐसे फ्लो चार्ट बनाएंगे वहाँ पर लिख दीजिए, छोटा सा स्पेस में ही बहुत सी अच्छी बातें आप कर जाएंगे। तो राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति 2019 बनाई गई, लाइफ मूवमेंट जो है पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको लिखिएगा, शून्य अपशिष्ट वाला देश बनने के लिए स्वच्छ भारत मिशन बनाया लाया गया, ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR जो है, मैं आपको बताऊंगा EPR आपको कैसे, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका आता है ये सिंगल यूज प्लास्टिक में, मैंने इस पर एक आर्टिकल भी लिखा हुआ, मैं आपको भी दिखाने वाला हूं। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क जो है ये है, इसको बोलते हैं EPR फ्रेमवर्क, ठीक है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम बनाया गया, ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम बनाया गया, इस्पात स्कैप पुनर्चक्रण नीति लाई गई, और नीति आयोग और यूरोपीय संघ द्वारा संसाधन दक्षता पर नीति का किया जा रहा है, ठीक है, डेटा इसमें से आप लिख सकते हैं कि जो वैश्विक जो आप डेटा को याद करेंगे तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, यही आपका वैल्यू एडिशन कर देगा, इसी को वैल्यू एडिशन बोलते हैं लोग जो टॉपर लोग होते हैं, तो यही वैल्यू एडिशन होता है आपके लिए, ठीक है। जो 1970 के बाद क्या है कि वैश्विक संसाधन खपत में 3 गुना वृद्धि की गई है, केवल 7% वैश्विक अर्थव्यवस्था का ही जो है वो चक्रीय है, 20% भारत का केवल वस्तुओं का पुनर्चक्रण किया जाता है, और ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है जिसमें भारत जो है हिस्सेदारी कितनी है 9% है, तो इसलिए जो है सर्कुलर इकोनॉमी भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब क्या है, अब आपको पढ़ना है नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी, UPSC के GS3 में आप साल दर साल प्रश्न उठाइए आपको मिल जाएगा, और अभी इसी साल 2023 का ही आप, मैं इसलिए आपको पेपर नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आप पेपर खुद देखिए, मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दूँ तो मैं आपको अभी हिंट दे रहा हूँ, 2023 का पेपर उठाइए उसमें भी समुद्र पे नीली अर्थव्यवस्था पे प्रश्न है, 22 उठाइए उसमें भी है, 21 में भी प्रश्न है, 20 में भी प्रश्न है, 19-18 अल्टरनेट ईयर पे हर साल मेंस में इस पे प्रश्न बनता है, सिलेबस में पॉइंट खोजिए, नहीं आप खोज पा रहे हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, क्योंकि सिलेबस में आपको खोजना आना चाहिए कि चीज़ें कहाँ से मैच करेंगी। तो नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमी जो है इससे हर साल प्रश्न बनता है, तो इसलिए बहुत आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट हो जाता है। क्या हुआ कि चेन्नई में G20 की जब बैठक हुई थी उसमें क्या हुआ कि जो सदस्य देश है उसमें उन्होंने पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक हुई जिसमें क्या किया गया कि एक लचीली अर्थव्यवस्था नीली अर्थव्यवस्था यानी कि संधारणीय यानी सस्टेनेबल हो और लचीली हो नीली अर्थव्यवस्था पर चेन्नई उच्च स्तरीय सिद्धांतों की एक पूरी व्यवस्था को अपनाया गया। अगर आप इस साल UPSC का मेंस लिखे जो लिखा होगा उसमें प्रश्न था समुद्री पे, समुद्री शायद वो था प्रदूषण पे था, ऐसे कुछ जो भी चीज़ें थी ग्लोबल वार्मिंग का समुद्री ऐसे कुछ प्रभाव था समुद्री जीवों पर, तो उसमें भी आप ये कंटेंट लिखते कि भारत सरकार ने जब G20 की बैठक में हाल ही में हुआ, तो आप करंट अफेयर से इसी पॉइंट्स को लिंक कर सकते हैं मेंस का आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं कि चेन्नई उच्च स्तरीय सिद्धांत है क्या, ये क्या है कि बहुत सारे सिद्धांतों का एक समूह है जिसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आप समझिए, उद्देश्य ये है कि नीली अर्थव्यवस्था के लिए निगरानी हो, मूल्यांकन व्यवस्था की स्थापना की जाए, उसका क्रियान्वयन किया जाए, ये उसका उद्देश्य है। अच्छा,
महासागर के संबंधी वित्त में उसकी बढ़ोतरी की जाए, मैराइन स्पेटियल प्लानिंग के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए, समुद्री प्रदूषण का समाधान किया जाए, जैव विविधता का पुनरुद्धार किया जाए और देशज और पारंपरिक ज्ञान की परंपरा का पहचान और उसका संरक्षण किया जाए, ये उसका उद्देश्य है। ठीक है, अब आप जानते हैं इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ और भी है, इसमें एक चीज़ और है। पहले नीली अर्थव्यवस्था को जानते हैं, उसके पहले आप ये देख लीजिए कि ब्लू इकोनॉमी, चलिए इसको बाद में देखते हैं घटक, पहले आप उसके बारे में बताते हैं नीली अर्थव्यवस्था होती क्या है। नीली अर्थव्यवस्था यह होती है जैसे क्या है कि इसका आशय है कि महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र में, महासागरीय जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसको संरक्षित करते हुए आर्थिक समृद्धि, बेहतर आजीविका और रोजगार के लिए महासागरीय संसाधनों के संधारणीय उपयोग से ही, इसको क्या बोलते हैं, इसका आशय है। आप सीधे नीली अर्थव्यवस्था जहाँ दे, सीधे आप क्या कर सकते हैं, यही कंटेंट को आप अपने इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, इसी लाइन को। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है, ये क्या बोलता है, महासागर, सागर और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और संधारणीय उपयोग से यह संबंधित है। आपको पिछले महीने का जो विजन है इसका मैगजीन, उसमें हमने SDG के पूरे लक्ष्यों को और अच्छे से पढ़ाया था वैल्यू एडिशन की क्लास में, उसको देख लीजिएगा। और UPPCS और UPSC में डायरेक्ट प्रश्न, UPPCS का 2023 का प्री का पेपर उठाइए, ये प्रश्न पूछा हुआ है 2023 का प्री में, 2022 में पूछा हुआ है, 2018 में पूछा हुआ, 2021 में पूछा हुआ है, मतलब लगातार पूछा है ये, यही वाला 14 वाला क्यों पूछा है, क्योंकि बजट में इसके लिए प्रावधान अलग से होता है हर साल नीली अर्थव्यवस्था के लिए, भारत सरकार खूब जोर दे रही है, तो न्यूज़ में होता है और सवाल बनने की पूरी संभावनाएं होती हैं, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है ये। महासागर, सागर और समुद्री जल संसाधनों के संरक्षण और संधारणीय उपयोग से क्या है, SDG 14। अब भारत के लिए जो नीली अर्थव्यवस्था का महत्व क्या है वो सबसे समझिए। भारत में नीली अर्थव्यवस्था का अनुमानित आकार क्या है, GDP के लगभग 4% है महत्व। विशिष्ट समुद्री स्थिति भारत की है, तटरेखा लगभग 7,500 किलोमीटर की है, 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, 187 के आसपास छोटे बंदरगाह हैं, और भारत का जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये क्या है, 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से। और नीली अर्थव्यवस्था से होने से भारत के लिए अन्य जो मौजूदा क्षेत्र है उसके लिए भी लाभदायक है, क्या है कि व्यापार, पोत परिवहन, गहरे समुद्री खनिज, जलीय कृषि, मत्स्य पालन, समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास के लिए क्या है ये आवश्यक है। अन्य लाभ क्या है इसमें, नीली अर्थव्यवस्था क्या है, रोजगार सृजन, खाद्य सुरक्षा, आजीविका सुनिश्चित करना, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये आपके भारत के लिए जो है इसका महत्व है। अब आते हैं कि घटक क्या होता है नीली अर्थव्यवस्था का। अब यहाँ घटक इसमें कौन कौन से, नवीकरणीय ऊर्जा है, मत्स्यन है, पर्यटन है, समुद्री परिवहन है और अपशिष्ट प्रबंधन है, इसके जो है 5 घटक होते हैं। ऐसे ही आप डायग्राम बना करके लिख सकते हैं, मजा थोड़ा सा होता है, ये है कि जो कॉपी चेक करने वाला उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, रिप्रेजेंटेशन ही अच्छा होता है, प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है उसका। चुनौतियाँ क्या है नीली अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों को साकार करने के समक्ष, चुनौतियाँ ये हैं कि भारत में विशिष्ट संगठनात्मक जो है फ्रेमवर्क का अभाव है, यानी कि जो अप्रति गतिविधियाँ होती हैं उसमें मंजूरी देने, पट्टा देने, मूल्यांकन करने, निगरानी करने के लिए जो एक एकीकृत फ्रेमवर्क है उसका क्या है अभाव है। व्यापक कानून का अभाव है, यानी कि नीली अर्थव्यवस्था पर जो है, मतलब भारत सरकार ने मसौदा तैयार किया था पर क्या है कि एक जो व्यापक कानून है उसका अभाव है। 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने तैयार किया था नीली अर्थव्यवस्था पर, मसौदा था अभी, बस मसौदा नीति थी पर वो कानून नहीं बन पाया अभी तक। मापन संबंधी चुनौतियाँ हैं, समुद्री आधारित गतिविधियों के लिए अलग से क्या है कि जो राष्ट्रीय रेखा प्रणाली की जो कमियां हैं उसमें, तो उसमें जो मौजूदा आर्थिक व्यवस्था उसमें क्या है कि उसको मापा जाना अलग से कठिन हो जाता है, ये कुछ कौन समुद्री आधारित गतिविधियों को। अन्य जो चुनौतियां उसमें क्या है, जलवायु परिवर्तन है, अति संधारणीय मत्स्यन है, प्लास्टिक प्रदूषण है और समुद्री जल विवाद भी है, एक तरह से लिख सकते हैं। तो आगे की राह क्या होनी चाहिए, आगे की राह तो आप लिखेंगे ही या उपाय लिखेंगे, तो आपको यही कंटेंट मेंस में सीधे लिख सकते हैं आप, इसीलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ एकदम सीधे कैसे, मेंस के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन कैसे लिखेंगे आप, मैं बाकी कुछ भी नहीं कराता हूँ इसमें, बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं, आप कैसे आंसर लिखेंगे बस मैं वो बताता हूँ, कैसे प्री में क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से बता देता हूँ। तो जो मेरा अप्रोच है वो क्या है, एकदम प्रोफेशनल है इसमें, एकदम आपको कैसे पढ़ना है एकदम प्री और मेंस से क्वेश्चन सॉल्व हो, बाकी काम खत्म, इसमें हमको PhD नहीं करनी है। तो इसमें आगे क्या क्या लिख सकते हैं आप कि एक जो है नोडल एजेंसी हो, नोडल एजेंसी स्थापित की जाए, जिसे क्या है कि जो नीली अर्थव्यवस्था समझे जो अलग अलग क्षेत्रक है जो आपको मैंने ऊपर बताया उसके लिए एक एकीकरण स्थापित करें, क्षेत्रक को आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है कि एक निश्चित समय अंतराल पर सर्वेक्षण हो, जो अलग अलग जो बेहतर खनिज और तमाम स्रोतों का पता लगाने के लिए एक नई राष्ट्रीय मानचित्र और डेटा नीति तैयार की जाए,
प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए, संसाधन उपयोग को कम, मतलब प्रदूषण है और संसाधनों का असंसाधन उपयोग कम हो, निजी निवेश को वहाँ पे प्रोत्साहित किया जाए। तो ये जो आपका हो गया नीली अर्थव्यवस्था संबंधित जो कंटेंट था वो आपका कंप्लीट हो गया। अब एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्या है, प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। क्यों दिखाना चाहता हूँ, चूँकि ये तो है अभी का कंटेंट, यानी जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स है, यानी हो सकता है जून में हुआ ये जो घटना हुई हो इसलिए जुलाई वाली मैगजीन में दिया है। इसके पहले 2021 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, कब लिखा था, जब भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को 2022 तक बैन करने के लिए जो कानून बनाया था, ठीक है, तो उस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसको आप पहले एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो है मैंने जब 2021 में जब सरकार ने लाया था इसको, तो जो 2022 तक ख़त्म करने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए, तो इसको मैंने बनाया था, ठीक है। तो ये क्या है कि सिंगल यूज प्लास्टिक में मैंने टॉपिक थी कि आसान नहीं है पार पाना, ये मतलब ये एक एडिटोरियल पेज पे था किसमें, सारा राष्ट्रीय सहारा में, तो ये आप उसमें लिख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत सारा जो आंकड़ा दिया हुआ है, इसमें व्यवहारिक तौर पर बहुत सी चुनौतियाँ भी दी हुई हैं, और अभी जो वर्तमान में इसको कुछ जो है उपाय किए हैं उसको भी एकदम सिंग। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आपको बताया था ना वहाँ पे EPW था, जो ये क्या था, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR, ये जो है आप देखिए EPR नियम जो आपको था वही चीज़ यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही क्रिस्प और रिलेवेंट मटेरियल को लिखा है, इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें से बहुत सारे कीवर्ड्स को आप ला करके अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। तो कीवर्ड्स को इसमें ध्यान देना है, और जो मौजूदा नियम है उस नियम को भी अभी ये कंटेंट आप इसको पढ़ेंगे तो जो सरकार ने नीति लाई थी सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए उसको भी आप इसको इसमें से पढ़ सकते हैं, उसको भी आप जान सकते हैं कि वो चीज़ क्या थी, ठीक है। अभी हम आते हैं अपने कंटेंट पर, इसको मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा आर्टिकल्स को, आप उसको पढ़िएगा, पढ़ने के बाद उसमें से कुछ नोट्स बना लीजिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा, उसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने में से आप पढ़ते नहीं है पर उसको नोट्स बना लेंगे तो कॉपी में तो थोड़ा सा आसानी होगी। तो यहाँ जो है आपको प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, इसमें क्या है कि उसको प्लास्टिक पॉल्यूशन को समाप्त करने के लिए G20 देशों से कानूनी रूप से क्या हुआ है कि एक बाध्यकारी प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय समझौता को साकार करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया गया है। अब इसमें अन्य तथ्य क्या है कि अन्य तथ्य यह है कि स्विट्जरलैंड की जो एक रिसर्च कंसल्टेंसी है, क्या है, अर्थ एक्शन, इसके द्वारा क्या हुआ कि प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट 2023 जारी की गई। तो इसमें ओवरशूट क्या होता है कि जब देखिए प्लास्टिक अपशिष्ट का जब उत्पादन किया होता है, ओवरशूट आप समझते हैं क्या होता है, इसी तरह से रिसोर्सेज का भी ओवरशूट डे माना जाता है, यानी कि जब साल भर में रिसोर्सेज का वो चीज़ होता है कि जब साल भर की जो रिसोर्सेज हमारे लिए अवेलेबल हैं वो साल के किस दिन तक खत्म हो गए, मान लीजिए अप्रैल तक खत्म हो गया, तो वो आपका वो जो है वहाँ को ओवरशूट डे मनाया जाएगा, यानी कि हमने साल भर के रिसोर्स को आधे महीने में आधे साल में ही कंप्लीट कर लिया, मतलब उपयोग कर लिया। उसी तरीके से क्या है कि जो प्लास्टिक ओवरशूट डे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो उत्पादन है और उसका प्रबंधन है या उसका पुनर्चक्रण है उसकी क्षमता से जिस दिन हम अधिक उत्पादन कर लेते हैं, यानी हमारा जो प्रबंधन है और पुनर्चक्रण है उसकी क्षमता मान लीजिए 100 है और हमने जो है और ये कितना साल भर में और हमने क्या कहा 6 महीने में ही हमने 100 कंप्लीट कर लिया, तो जिस दिन कंप्लीट किया उसी दिन हमारा ओवरशूट डे हो गया, यानी हम अब हम अति कर रहे हैं, यानी उससे अधिक ओवर अब उत्पादन कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, यही ओवरशूट डे होता है। तो हमने कब मनाया 28 जुलाई 2023 को, और भारत में कब हुआ 6 जनवरी 2023 को, 6 जनवरी को ही ओवरशूट डे दर्ज कर लिया गया 2013 में, यानी कि 2023 में आप समझ सकते हैं कि 2023 पे 6 जनवरी को ही ओवरशूट हो गया और पूरे विश्व में जो है पृथ्वी पर 28 जुलाई को हुआ। तो ये बड़ा खतरनाक चीज़ है, बड़ा खतरनाक डेटा है, ये बड़ी खतरनाक डेटा है। भारत क्या उन 12 देशों में से एक है जो दुनिया के 52% कुप्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए जिम्मेदार है। ये बहुत खतरनाक डेटा है, मेरी तो दिमाग ही खराब हो गया सुन के, इतना हम लोग प्लास्टिक यूज करते हैं। अब डेटा आप देख लेते हैं, डेटा बैंक में क्या है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार क्या है कि प्रतिवर्ष 3.4 मिलियन टन क्या है प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है और मात्र 12% ही भारत में पुनर्चक्रण होता है, और अर्थ एक्शन प्लान के तहत भारत में जो है 98% जो है 99% क्या अपशिष्ट का ठीक ठाक प्रबंधन नहीं होता है। ये सही बात है, ये इसमें कोई डेटा को मान लीजिए मैं तो मान रहा हूँ 100% में से 99.99% का प्रबंधन नहीं अच्छे से होता, सिर्फ 1% का होता होगा पूरे, सच्चाई तो ये है। अब क्या है कि प्लास्टिक प्रदूषण का प्रभाव तो होता ही है, और अब ऐसे ये आप देखिए जो टेबल बनाया है, मैं आपको इस टेबल बहुत अच्छा टेबल है, क्या है प्रभाव लिख सकते हैं,
या चुनौतियाँ, उसके समय उपाय लिख सकते हैं। ऐसे ही मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे तो मान लीजिए आपने ये, मान लीजिए ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है आपकी, मान लीजिए आपको प्रभाव, चुनौतियाँ और समाधान लिखना है, तो ऐसे आप कॉलम बनाइए, यहाँ एक 5 पॉइंट डालिए, यहाँ चुनौतियाँ और यहाँ समाधान हो। इससे क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, प्रेजेंटेशन उत्तर का बड़ा अच्छा होता है। तो इसमें क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण से वायु में क्या है, बिस्फेनॉल और फेथलेट्स का उत्सर्जन होता है। माइक्रोप्लास्टिक जो है समुद्री और मानव शरीर में प्रवेश करने के गंभीर प्रभाव होते हैं, प्रभाव तो पड़ता ही है। अक्सर समुद्री जीव प्लास्टिक के जालों में फंस जाते हैं और भू सतह का क्षरण होता है। चुनौतियाँ क्या हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण पर अकुशल अवशिष्ट प्रबंधन प्रणालियाँ हैं, यानी जो आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही हैं, अपर्याप्त डेटा और रिपोर्टिंग है, सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के आगे थोड़े समय के लिए उपयोग करते हैं फिर उसको फेंक देते हैं, नीतियों का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होता है, उपभोक्ताओं का व्यवहार आप जानते ही हैं, उपभोक्ताएं किस तरह से जो डिस्पोजल के उपयोग में अभ्यस्त हो चुके हैं, और उपयुक्त विकल्प का अभाव है। विकल्प का अभाव सबसे बड़ी चीज़ है, विकल्प होता तो हम लोग इस पर नहीं जाते। अब क्या है कि इसमें देखिए, जो मैंने आर्टिकल लिखा था उसी आर्टिकल को यहाँ पर बताया गया है, उस जो आर्टिकल मैंने लिखा था उसी आर्टिकल में सेम वही चीज़ें हैं। उसमें क्या है, नियम है, नियम क्या है इसमें, प्लास्टिक अवशिष्ट संशोधन प्रबंधन विधेयक नियम था 2021 का, इसमें क्या कि सिंगल यूज प्लास्टिक के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया। कैरी बैग की जो मोटाई थी वो 2021 30 सितंबर से करीब 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 कर दी गई, और फिर जो बाद में इसको 120 माइक्रोन कर दिया गया। प्लास्टिक उत्पादकों के लिए क्या है, एक्सटेंडर प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी होता क्या है कि जो उत्पादक होंगे, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, उसका पुनर्चक्रण करने की, उसका पुनः उपयोग करने की, उसको प्रबंधन करने की, यही एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसकी बात मैं कर रहा हूँ। प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2022 को लाया गया, ठीक है, निजी क्षेत्र के माध्यम से भारत सहयोग कर रहा है, ठीक है। UNEA ने एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन नाम से एक संकल्प को अपनाया, किसने अपनाया, UNEA ने, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य, 2024 तक कानूनी रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते को संपन्न करना है, और उसका उद्देश्य क्या है, और प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है, ठीक। तो निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं, निष्कर्ष में यही जो कंटेंट दिया है इसको पढ़िए, और इसी को आप उत्तर में सीधे लिखिए। इतना अच्छा निष्कर्ष है, क्या है कि हमें कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। कौन क्या है, प्लास्टिक पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना, प्लास्टिक प्रदूषण से होने वाले खतरों के बारे में लोगों को जानकारी देना, जागरूक करना, नियमों को सख्ती से लागू करना, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अधिक मजबूत करना। इसके साथ क्या है, संसाधन दक्षता और पुनर्प्राप्ति पर ध्यान देना है, चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाना होगा, वही जो नीचे हमने पढ़ा चक्रीय अर्थव्यवस्था। और क्या है, इसको जो है इसमें किसी भी सामग्री को मैंने सिंगल यूज करने की वजह क्या है कि क्लोज लूप प्रणाली को अपनाना होगा, सिंगल यूज के बजाय क्लोज लूप प्रणाली को अपनाना होगा। क्लोज लूप ये आप लिख सकते हैं ऐसे, देखिए आपको कैसे प्रेजेंटेशन करना तो बता रहा हूँ, ऐसे लिख सकते हैं नीचे आप, सिंगल यूज के बजाय इसको आप ऐसे एरो बना देंगे, और यह क्या क्लोज लूप को अपनाना होगा, ठीक है, ऐसे हमको जाना होगा। क्यों, क्या है कि क्लोज लूप सिस्टम क्या है कि प्लास्टिक उत्पादों की रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग करने की प्रक्रिया है, जिससे क्या कच्चे माल का उपयोग कम होता है और अपशिष्ट भी कम होता है, ठीक है। ये सिंगल यूज के बजाय क्लोज लूप को अपनाना है, ठीक है, ये आप हो गया। अब आप हो जाता है एक चीज़ और है, ग्रैप, ये बड़ा उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस थोड़ा सा पढ़ना हमको, ग्रैप है क्या, इसमें आपको बस थोड़ा सा आप ये देखना ग्रैप है क्या। ग्रैप ये है कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR है उसमें क्या है कि और निकटवर्ती क्षेत्रों में क्या है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा CAQM ने मौजूदा ग्रैप में संशोधन की घोषणा की, इसीलिए न्यूज में रहा, ठीक है। ग्रैप क्या था, जो ग्रैप ये था कि जो दिल्ली की जो वायु गुणवत्ता है सूचकांक के आधार पर क्या है, एक आपातकालीन जो कार्रवाई प्रणाली है, इसमें क्या हुआ कि दिल्ली NCR में खराब होती जो वायु गुणवत्ता को समाधान करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाती है। SC MC मेहता बनाम भारत संवाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता के संबंध में ग्रैप को तैयार किया था, किसमें 2016 में, ये आप मेंस में डायरेक्ट लिखिए, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, UPSC के लिए, इसको ध्यान दीजिएगा। ग्रैप को पहली बार क्या किया गया, 2 जनवरी 2016 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसको अधिसूचित किया गया। अब क्या है कि अधिसूचना के अनुसार क्या है कि अब मतलब जो है इसको 2021 से ग्रैप को CQM द्वारा इसको लागू किया गया है, ठीक है। ग्रैप का महत्व क्या है कि पूरे दिल्ली NCR क्षेत्र के लिए जो स्टेप बाय स्टेप योजना का निर्माण संभव होता है, प्रदूषण बोर्ड, औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकरण और कई एजेंसियों के आगे एक साथ लाती है, जवाबदेही और समय सीमा को तय करती है, ठीक है। और क्या है कि जो समय से पहले ही BS6 जो ईंधन का जो इंजन है उसको मानक को तैयार करने में मदद मिली है, सर्दियों में वायु प्रदूषण क्या है NCR में उसको नियंत्रित करती है, और सक्रिय भागीदारी के लिए नागरिक चार्टर को लागू करती है, ये ग्रैप, ठीक है। ग्रैप को
जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है उसके आधार पर लागू किया जा रहा है। इसमें क्या है, PM10, PM2.5, NO2, ओजोन, SO2, CO, NH3, लेड के अनुसार जो है, ये PM मतलब पार्टिकुलेट मैटर होता है, आप जानते ही होंगे। और ग्रैब का पुराना संस्करण केवल क्या क्या था, केवल 2.5 PM और 10 के सांद्रता के आधार पर लागू किया गया था। अब क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या कि इतने सारे प्रदूषण है, इसके इस पे जो है लागू किया जाता है, ठीक है। इस पे चरण दिया गया है, संशोधन के लिए कुछ उपाय हैं, पर ये आप उसमें कुछ वो नहीं, ज़्यादा मेंस के हिसाब से कुछ, जब संशोधन होगा तब आप इसको पढ़ने लायक होगा। अभी इसके लिए बस उपाय, मतलब इसका संशोधन करने में बताया गया उपाय की आवश्यकता है, तो उसको आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। इसमें आप निष्कर्ष आप जान लीजिए क्या है कि IQAR द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार क्या है, दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में चौथे स्थान पर है। इसलिए क्या है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स ग्रैप जो है, एक्शन प्लान दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने, स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव करने के लिए एक सही कदम है। हालांकि इसमें जो है बहुत सारी कमियां हैं, इसको जो है दूर करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। तो अब क्या है कि जो संशोधित नियम है, अभी जो है इसमें नियम अभी 2 अक्टूबर में लागू किए जाएंगे 2023 में, तो इसमें लागू किए जाएंगे, तो उस पर अभी वो आएगा विजन है, इसके अगले वाले जो एडिशंस होंगे उसको हम लोग वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी से जो चीज़ें उतना ही पढ़ना है जितना आपको प्री और मेंस के हिसाब से जो पच जाए, जितना जो आपको याद रहे, फालतू चीज़ों को उसमें हटाना है, तो आप इसको देखिएगा, इसमें से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। अब ये क्या है कि CAQM क्या है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरिया, प्री के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको 2020 में गठन किया गया था, क्या इसका CAQM का, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के माध्यम से वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया इसको, किसको, इसको CAQM को, क्या, कमीशन ऑफ फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरिया, NCR और अन्य क्षेत्रों के लिए जो क्या है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, इसको वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार मार्क कर लीजिए। इसीलिए मैंने कहा जो चीज़ आपको नहीं पढ़ना उसको छोड़िए, आप यहाँ आइए, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है CAQAM, नोट करिए कॉपी पे, ये क्या है, एक वैधानिक निकाय है, UPSC डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देगा CAQAM क्या है, एक गैर संवैधानिक निकाय है, या फिर जो है सीधे सीधे दे देगा एक एजेंसी है, ये नियम है, आपको क्या करना है, नहीं गलत करना है, आपको ये वैधानिक निकाय का शब्द ध्यान देना है। क्या इसका इसका कार्य क्या है, वायु गुणवत्ता सूचकांक से जुड़ी जो भी समस्या है उसकी पहचान करनी है, समाधान, समन्वय और अनुसंधान में सुधार करना है, ठीक है, आपको बस इतना ही ध्यान देना है। CAQAM क्या है, NCR के और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के रूप में इसका है, इसको वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के माध्यम से वैधानिक निकाय का दर्जा दे दिया गया है, और ये जो NCR के क्षेत्र में क्या करता है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं जो उसका पहचान करता है, समन्वय करता है, अनुसंधान में मदद करता है, ठीक है, ये हो गया। अब कल जो है एक छोटा सा कंटेंट और बचा हुआ है मेंस का, उसको कंप्लीट करने के बाद इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी खत्म करेंगे, और जल्दी से जल्दी आपका ये मैगजीन आपका इसी मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट वाली मैगजीन इशू होगी तो वो हम लोग पढ़ेंगे अगस्त वाले मंथ की, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट मिलेगा, धन्यवाद।